ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की पियानो फोटो एडिटिंग। तो गाइस जिगरवांदरवाले ने अभी कुछ टाइम पहले अपना फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, तो गाइस आप लोगों का डिमांड आया था कि गाइस भाई हमें इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो गाइस मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके हाजिर हूं। एंड गाइस टेंशन की कोई बात नहीं यार, बैकग्राउंड बिल्कुल HD में है गाइस, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना, एंड जो भी स्टॉक का यूज करूंगा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना इजीली। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चले गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज आप सभी को सबसे पहले करना है कि गाइज आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइज आपको जाना ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को। एंड गाइज मॉडल को ऐड करने के बाद गाइज आपको जो मॉडल का साइज है कुछ इस टाइप से इतना रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को गाइज मॉडल के ऊपर बनानी शेडो। एंड गाइज जो शेडो कैसे बनानी गाइज वो मैं आप सभी को भी बता देता हूँ। तो पहले तो गाइज आपको मॉडल का जो साइज है कुछ इस टाइप से इतना रखना है, ठीक है, कुछ अराउंड इतना रख लेना अपना मॉडल का हाइट। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको अभी अपनी फोटो को डन नहीं करना है क्योंकि हमें शेडो बनानी है अपने मॉडल के पीछे। तो गाइज उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से ऐड करेंगे हमें ब्लैक कलर का PNG। एंड उसके बाद गाइज इसको हम करेंगे मूव टू बैक। एंड उसके बाद मूव बैक करने के बाद आपको जाना है इरेजर टूल में, एंड इसको इन्वर्ट कर देना है, एंड ब्रश के साइज अपने अकॉर्डिंग रख के, एंड उसके बाद आपको अपने मॉडल के नीचे कुछ स्टेप्स ऐसे शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ऐसे कुछ स्टेप्स मतलब साइज को अपने हिसाब से रख रख के एंड ऐसे शेडो बनाना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ, जब तक मैं गाइस इसमें जल्दी से शेडो बना लेता हूँ। एंड गाइज यहाँ पे हमारी जो शेडो है बन चुकी है। अब तो गाइज क्या करना है आप सभी को, अब यहाँ पे गाइज सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डन कर देना है। एंड गाइज उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ से गाइज आपको जाना अगेन ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से आप सभी को ऐड करना है जो पेपर जो फ्लाई हो रहे हैं गाइज वहाँ पे आपको सिंपली इसको यहाँ पे ऐड करना है। एंड कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करके रख देना है, ठीक है, ईजिली आपको फुल स्क्रीन कर देना है, एंड यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम इसको कर देते हैं यहाँ पे डन। अब गाइज आप सभी को फिर क्या करना है, अब गाइज यहाँ पे जाना आपको टूल्स में, फिर जाना आप सभी को एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे गाइज ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, एंड गाइज यहाँ पे इन्वर्ट कर देना है इरेजर टूल में जाके। देन गाइज आपको साइज इंक्रीज करना है, जो गाइज आपको विंडो दिख रही है भाई पीछे की तरफ आपको सिंपली इसके ऊपर ऐसे पेंट करना है। एंड गाइज आपको उसको टच करवाना है अपने मॉडल के बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो आपको उस स्टेप से करना है, एंड गाइज इससे ये रिफ्लेक्शन आएगा कि जो बैकग्राउंड की जो रिफ्लेक्शन है वो आपके मॉडल के ऊपर पड़ रही है, एंड इससे एक रियलिस्टिक सा लुक आएगा। तो आपको एकदम अच्छे तरीके से करना, तो गाइज मैं यहाँ पे थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ इसको ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। एंड गाइज इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको मैनेज कर लेना है कि आपको कितनी ब्राइटनेस रखनी है, एंड देन गाइज आपको यहाँ पे कर देना सिंपली डन। अब गाइज यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे अपनी इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, एंड गाइज इसको लेके चलना है ऐसे गाइज आपको लाइटरूम ऐप में, क्योंकि गाइज लाइटरूम ऐप में हम इसका रिटच करके इसको रियलिस्टिक बनाएंगे। तो गाइज आपको अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है गाइज लाइट वाला ऑप्शन में, एंड गाइज यहाँ पे इसका आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, एंड गाइज जो हाईलाइट है इसको आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है, एंड जो गाइज शेडो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा व्हाइट, आपको सिंपली इसको इंक्रीज कर देना है, एंड गाइज यहाँ पे मिलेगा आपको ब्लैक, इसको थोड़ा सा कम कर देना है। एंड गाइज उसके बाद आपको जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, यहाँ पे गाइज आपको उसकी वाइब्रेशन है जिसको थोड़ा सा वहाँ पे बढ़ा देना है, एंड गाइज थोड़ा सा टेम्परेचर है जिसको कम कर देना है। फिर गाइज आपको कलर मिक्स में जाकर आपको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है। एंड गाइज उसके बाद येलो कलर में जाकर आपको उसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड ग्रीन कलर है इसका भी सैचुरेशन माइनस कर देना है। गाइज आगे के जितने भी कलर है आपको सबका सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड इसको गाइज देना आपको एक डार्क टोन, ठीक है, अपनी फोटो को। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपनी फोटो को कर देना है डन। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐसे कलर्स के नीचे वाले टूल में, एंड गाइज उसके बाद यहाँ पे जो फोटो की क्लियरिटी है गाइज आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड गाइज आपको अपनी फोटो में विगनेट डाल देना है, विगनेट जरूर डालना गाइज जिससे एक अच्छा लुक आएगा आपकी फोटो में। देन गाइज आपको नीचे स्क्रॉल करना आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड गाइज जाना आपको नीचे वाले टूल में, फिर गाइज आपको फोटो की जो शार्पनेस है आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड गाइज जो नोड रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड गाइज उसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइज अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे जो फेस का कलर वो अच्छा सा नहीं लग रहा था, हम ऐसे देंगे मिक्स टूल में ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करेंगे, एंड गाइज यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब गाइज यहाँ पे जो हमारा इतना हो चुका है, ठीक है, तो आप अपने फेस का जो एडजस्टमेंट है वो देख लेना अपने हिसाब से। तो गाइज हमारी फोटो जो यहाँ पे फाइनल एडिट हो चुकी, तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।